बारह मसाला वाला चाय भी है सर जी। ये है सर, ये पत्थर है जी जी, पत्थर को वो पिलर बना कर लगाया है, ये भी पत्थर है। वो दही वो लस्सी है ना, उसमें डालकर अच्छा गाढ़ा अच्छा साथ होकर फिर वो पीते हैं। लस्सी निकालने का तरकीब सही ये अच्छा, इसको कहते ठीक है कुरु 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 कहते ये इसमें डालते हैं, ये असल चीज ये है, इसमें से वो लस्सी निकालते हैं। फिर इन्हें ये इस तरह इसमें घी हो जाते हैं, लस्सी लगा कर निकाल कर फिर इसमें घी हो जाते हैं। ये इस तरह से बनाया एक दिन छोड़कर दूसरा दिन निकालते हैं सर ये लस्सी। चीनी डाला था, पत्ती डाला था और ये आप दूध डाल दिया सर। फिर उसके बाद पत्ती डालते हैं, फिर उसके बाद ये दूध डालते हैं। दूध डालकर फिर अभी ये तैयार होने वाला है सर, उबाल रहेगा, उबालेगा फिर निकालेगा। प्यार लग गए सही है, उबालेगा फिर चाय पिलाएगा। नीचे सब साथ जाएगा।
ये सामान है, ये सारा नीचे लेकर जाना है घर में, घर से इधर लाते हैं जी, इधर से फिर 3-4 महीने के बाद ये सारा शिफ्ट हो जाते हैं फिर नीचे। गर्मी का मौसम खत्म हो गया, अभी सर्दी आने वाला है, तो इंशाल्लाह हम लोग नीचे जाने वाले हैं कल इंशाल्लाह या परसों। हमारे इधर मालमोशी भी होते हैं सर, गाय बकरियाँ, तो बकरी रहते हैं सर, बाकी गाय ये दुमो और बैल ये वापस हम लेकर जाते हैं सर नीचे। जो दूध वाले हैं वो लेकर जाते हैं, जो बगैर दूध वाले हैं वो हम यहाँ रख कर जाते हैं। हाँ ये हमारे ये बकरी है सर, ये देखो अभी।